ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आगे नारद जी कह रहे हैं कि हे राजा प्रचीन बरही, जो व्यक्ति वेदों के ज्ञान के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, वेदों का ज्ञान इतना अनंत है कि वो प्राप्त करने के पश्चात भी व्यक्ति जो है भगवान को नहीं समझ सकता है। और वो कहते हैं कि अगर व्यक्ति अन्य देवताओं की उपासना करता है, काम में रत होकर के अनेकों प्रकार की भौतिक इच्छा पूर्ण करने के लिए, ये जो ताकतवर देवता हैं वो उस व्यक्ति को अनेकों प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य तो प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इन भौतिक ऐश्वर्यों के द्वारा भी व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकता है। तो दोनों बड़े महत्वपूर्ण हो गए। एक तो वेदों के ज्ञान के द्वारा भी व्यक्ति जो है भगवान को तत्व में नहीं समझ सकता है। दूसरा, अगर व्यक्ति सोचता है कि देवताओं की उपासना के द्वारा मैं भगवान को समझ लूँगा, तो नारद जी कह रहे हैं कि व्यक्ति देवताओं की उपासना मात्र के द्वारा भगवान को नहीं समझ सकता है। क्योंकि देवताओं की उपासना क्यों की जाती है, भगवत गीता में भगवान बताते हैं। अगर हम देखें इस भौतिक संसार में अनेकों देवता गण हैं, ये सारे देवता गण जो हैं भगवान का इस संसार में जो सृष्टि चलाने का कार्य है, सृष्टि के पालन को जो कार्य है, उस कार्य में वो एक प्रकार के व्यवस्थापक हैं, मैनेजर हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इंद्र देवता, वो जो हैं वर्षा के, बारिश के देवता बताए जाते हैं। इसी प्रकार से वायु देवता हैं, अग्नि देवता हैं, सूर्य देव हैं, तो ये सभी देवता गण बताए जाते हैं। तो वेदों के मंत्रों के उच्चारण के द्वारा अलग अलग देवताओं की उपासना भी की जाती है। तो इनकी उपासना के द्वारा ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति हो जाती है, इनकी उपासना के द्वारा व्यक्ति को अनेकों प्रकार के भौतिक ऐश्वर्यों की प्राप्ति जरूर हो सकती है। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं, कामेस्तेस्ते हृतज्ञाना यजन्ति अन्य देवताः। जब व्यक्ति की बुद्धि काम वासनाओं के द्वारा जब प्रभावित हो जाती है, तब वो व्यक्ति अन्य देवताओं की उपासना करता है। कामेस्तेस्ते हृतज्ञाना यजन्ति अन्य देवता। तो ये जो है नारद जी बता रहे हैं,
कि इस प्रकार से इन अन्य देवताओं की उपासना के द्वारा भी व्यक्ति जो है भगवान को नहीं समझ सकता है। और वो कहते हैं इसी प्रकार से जो वेदों के अंदर में अनेकों प्रकार के कर्म कांड के विभाग में जो नियम दिए गए हैं, उन नियमों का पालन करके भी व्यक्ति जो है भगवान को नहीं समझ सकता है। इसलिए अगर हम देखें तो श्रील रूप गोस्वामी ने इसके बारे में स्पष्ट बताया है कि भगवान को केवल भक्ति मात्र के द्वारा समझा जा सकता है, ज्ञान के द्वारा भी नहीं, कर्म के द्वारा भी नहीं। देखिए वो क्या कहते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम, भगवान के प्रति जो अनुकूल इच्छाएं हैं कि मैं भगवान की दासता करना चाहता हूं, मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूं, मैं भगवान के नाम का जप करना चाहता हूं, ये सब भगवान के अनुकूल हैं। तो रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं इन इच्छाओं को छोड़ करके बाकी सारी इच्छा उनको हमें जीरो करना है, सारी इच्छाओं को जीरो नहीं करना है। अगर हम सारी इच्छाओं को जीरो कर देते हैं तो हमारे में और पत्थर में कोई अंतर नहीं हो जाएगा। जीव में और अजीव वस्तु में, भौतिक वस्तु में यही अंतर है। हमारे अंदर में चेतना है और चेतना है जो इच्छा शक्ति भी होती है। तो अभी क्या है, हमारी इच्छाएं भौतिक, उन्होंने जो है भौतिकतावाद की तरफ दिशा लेकर के रखी है। अब हमको क्या करना है, भौतिक इच्छाओं को जीरो करना है और भगवत प्राप्ति की इच्छा, भगवान की सेवा की इच्छा, उसकी तरफ अपनी इच्छाओं को मोड़ना है। तो भक्ति का मतलब वो बताते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम, जो भी भक्ति को छोड़ करके अन्य अभिलाषाएं हैं, अन्य इच्छाएं हैं, उनको शून्य करना है। ये पहला हो गया। दूसरा वो कहते हैं ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान और कर्म के द्वारा जो हम अनेकों प्रकार के फल प्राप्त करना चाहते हैं उसको भी दूर रखना है, अनावृतम, उसके परत को भी निकालना है। ज्ञान की इच्छा क्या होती है, ज्ञान की इच्छा के द्वारा व्यक्ति जो है अपने अस्तित्व को खो देना चाहता है और भगवान के साथ एक हो जाना चाहता है। आपने ये सुना होगा कि कुछ जो मायावादी होते हैं, निर्विशेषवादी होते हैं, शून्यवादी जो होते हैं, वो क्या चाहते हैं, ज्ञान के मार्ग के द्वारा वो भगवान में लीन हो जाना चाहते हैं, भगवान में मिल जाना चाहते हैं। तो इस इच्छा से भी हमें मुक्त होना है, ये भी भौतिक इच्छा है। और दूसरी कौन सी इच्छा है, कर्म की इच्छा। कर्म की इच्छा क्या है, अनेकों प्रकार के कर्म करके उसके फलों को भोगना, अनेकों प्रकार के जो वेदों के अंदर में नियम और धार्मिक अनुष्ठान दिए हैं उनका पालन करके स्वर्ग लोकों तक जाना। ये कर्म कांड के द्वारा हम जब अनेकों प्रकार के नियमों का पालन करते हैं तो हम उस प्रकार के फलों की प्राप्ति करते हैं। तो वो भी तो भौतिक है, उस भौतिक कार्य के द्वारा हम भला आध्यात्मिक भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। तो एक तो हो गया भौतिक कार्य, एक हो गया वेदों के अनुसार देवताओं की उपासना या अनेकों प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान कर्म करना, जिसके द्वारा हमें भौतिक ऐश्वर्यों की, सुख समृद्धि की, स्वर्ग लोकों की प्राप्ति होती है। तो
तो वो भी तो मटेरियल है, वो भी तो भौतिक है। वेदों का सहारा लेकर के वो भी भौतिक ही है, उसके द्वारा हमें आध्यात्मिकता में प्रगति नहीं मिलती है, हमें भगवान के दर्शन नहीं हो जाएंगे उसके द्वारा। यही नारद जी प्राचीन बरही को सिखाना चाहते हैं कि तुम अनेकों प्रकार के धर्म के अनुष्ठान में लगे हो, ये यज्ञ करवा रहे हो, वो यज्ञ करवा रहे हो, पशुओं की बलि चढ़ा रहे हो, इन सब के द्वारा भगवान की प्राप्ति तो होने वाली नहीं है, ये भी भौतिक कार्य ही है। बाकी लोग भौतिक कार्य कर रहे हैं, तुम वेदों का सहारा लेकर के भौतिक कार्य ही तो कर रहे हो, इसके द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, ये बताना चाहते हैं। आगे नारद जी कहते हैं, हे राजा प्राचीन बरही, जब भक्ति के द्वारा भगवान भक्त के ऊपर प्रसन्न हो जाता है, भक्त के ऊपर अनुग्रह करता है, उस अनुग्रह की कृपा के द्वारा भक्त जो है उसकी आसक्ति भौतिक क्रियाओं की तरफ से और ये जो धार्मिक अनुष्ठान है, जो कर्म कांड विभाग में दिए हैं वेदों में, इन सब से उसकी रुचि चली जाती है। कैसे चली जाती है? भगवान की कृपा के द्वारा। जब व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति में लग जाता है और भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं, तो भगवान की कृपा के द्वारा वो व्यक्ति जो है सभी प्रकार के भौतिक कर्मों से भी छुटकारा प्राप्त कर लेता है और अनेकों प्रकार के जो धार्मिक अनुष्ठान में लोग लगे हुए हैं, रीति रिवाजों में जो लोग लगे हुए हैं, उन सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों से भी वो मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अब उसकी रुचि इसमें नहीं रह जाती है, तब जा करके वो भगवान को सही प्रकार से समझ सकता है, ये नारद जी जो है बताते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है, इसको हम ध्यानपूर्वक हमें समझना चाहिए। भगवान को हम अपने मन में जब भक्ति के द्वारा 24 घंटे अपने मन में रखेंगे, जैसा भगवान ने बताया है, उन्होंने कहा है भक्ति में चार चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। मन मन भव, हमेशा भगवान को अपने मन में रखना, मन मन भव। बाद में मद्याजी माम नमस्कुरु भव मद भक्तो, भगवान को मन में रखना, भगवान की भक्ति करना, भगवान का भक्त बनना, मद्याजी मतलब भगवान की उपासना करना, और जब हम मंदिरों में जाते हैं माम नमस्कुरु, भगवान को नमस्कार करना। ये चार चीजें भक्ति में बड़ी ही सरल हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तो जब व्यक्ति भगवान को अपने मन में 24 घंटे रखता है तो उससे क्या होता है, भगवान कृपा करते हैं अपने भक्त के ऊपर। ये स्वयं भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। जो व्यक्ति सततम हमेशा, तेषां सततम युक्तानां, जो मुझसे युक्त है, कैसे भगवान से जुड़ा है, कैसे भगवान से युक्त है, तेषां सतत, सतत मतलब हमेशा, सततम युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्, भगवान की भक्ति सेवा में लगा है, कैसे लगा है, नियम अनुष्ठान अनेकों प्रकार के औपचारिकतावाद के द्वारा, उस प्रकार से नहीं। जैसे कई बार हम लोग भगवान के नाम का जप कर रहे हैं लेकिन हमारा मन कहीं और है,
हम लोग भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, केवल मंत्र बोल रहे हैं, मन के अंदर में कोई भावना नहीं है, उस प्रकार की भक्ति से नहीं। भगवान कह रहे हैं भजताम प्रीति पूर्वकम, जब हम भगवत सेवा में लगते हैं प्रेम के द्वारा, अनेकों प्रकार की भावनाओं के साथ में, भावनाओं से युक्त होकर के कि भगवान इतने महान हैं, मैं इतना छोटा प्राणी हूँ, हे भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, मेरा भोग स्वीकार करो, यही असली मंत्र है। हम अनेकों प्रकार के मंत्र जरूर बोलते हैं, लेकिन मंत्रों के साथ में हमारी प्रेम की भावना बहुत जरूरी है। भगवान को इसलिए तो कहते हैं ना भावग्राही जनार्दना, भगवान भावों का ग्राही है, भावों को ग्रहण करता है। तो जो भी हम प्रार्थना बोलते हैं भावनाओं के साथ में करनी चाहिए। तो भगवान इसलिए क्या कह रहे हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं, मैं हृदय के अंदर से उसको बुद्धि प्रदान करता हूँ, ये न माम उपयान्ति ते, जिसके द्वारा वो इन सभी भौतिक क्रियाओं से, धार्मिक अनुष्ठानों से मुक्त हो जाता है। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते, और मेरे पास वो कैसे आ सकता है, उस प्रकार का बुद्धि योग मैं अपने भक्त को प्रदान करता हूँ। तो ये हम देख सकते हैं, यही नारद जी बता रहे हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो आज के इस कथा का यही सारांश है, जिसको हम अगली कथा में भी और थोड़ा विस्तार में समझने का प्रयास करेंगे कि ना कर्म के द्वारा, कर्म कांड के अनेकों प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा, ना देवताओं की उपासना के द्वारा, और ना ही ज्ञान के द्वारा, क्योंकि वेदों में कहा है वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ, वेदों में भगवान को ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन भक्ति के द्वारा भगवान बड़े ही सुलभ हो जाते हैं। तो केवल भगवान की भक्ति के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। हरे कृष्णा।